गाइस, सुबह सुबह मेरे ये जार्स आ गए हैं जो कि मैंने मसालों के लिए मंगवाए थे, मेरे पास थे नहीं। ये छोटे वाले 5.90 रुपीज में बस, ये ग्लास के हैं विद स्टील का ढक्कन, और ये 200 ml वाले, ये है 200 रुपए के 6, सो इट्स प्रीटी चीप। और मेरा अनियन पाउडर आ गया जो हम कोरियन फ्राइड चिकन और बहुत सारे डिशेज में यूज कर सकते हैं, जैसे कबाब वगैरह। इसको मैं इसमें डालूंगी, हल्दी ऑलरेडी मैंने भर दी है इसमें। देखो इस पॉइंट पे पता चला कि इवान ने ये गिरा दिया लेकिन ये टूटा नहीं बिल्कुल भी। नाइस, इट इज अ टोमेटो। अनियन पाउडर फिल करने वाली हूँ। अनियन पाउडर मुझे मिला है 1/2 kg ओनली 110 रुपीज में, विच इज वेरी चीप। ये हो गया मेरा फुल। मेरे गार्लिक के पॉड्स भी आ गए हैं, 1.5 किलो के आसपास, 100 रुपीज में, जो कि मार्केट से बहुत सस्ता है। हेलो एवरीवन, आज ना मैं बहुत लेट उठी क्योंकि कल है ना रात को इवान सो ही नहीं रहा था। 3-4 दिन से वो क्या कर रहा है, रात को सोता है 12 बजे के आसपास और सुबह 4-5 बजे उठ जाता है, फिर खाता है, उसके बाद फिर से सोता है। तो फाइनली हम लोग उठे 11 बजे के आसपास। ब्रेकफास्ट का तो टाइम था नहीं, मैंने सोचा उसके लंच बना देती हूँ, बट उससे पहले ही ओडिन को भूख लग रही थी। उसका मन कर रहा है 2-3 दिन से कोरियन फ्राइड चिकन खाने का। कल भी उसने वही बनाया और आज भी वही बना रहा है, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ वो कैसे बनाता है। और कल इतना यम्मी बनाया था ना उसने, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। 20 minutes later. तो ये ना कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं, मैदा में कॉर्नफ्लावर डाला है उन्होंने अभी, और अभी ये आई थिंक टपियोका फ्लावर है, व्हाइट पेपर, सॉल्ट। ये हनी है ना, हमको किसी ने गिफ्ट किया था यहीं पे पड़ोसी ने, तो वो भी आज यूज करने वाले हैं हम। तो जहां तक इसे मुझे बताया है, एक वेट वाला डिप बनेगा फ्लावर का और एक ड्राई वाला बनेगा, तो एक शायद कटोरी में लिक्विड वाला बनाएगा, तो दोनों में डिप करके इसको फ्राई करेंगे। यस, तो ये अनियन वाला पानी डाल रहा है इसमें, तो इसमें अनियन वाला टेस्ट आ जाएगा मैरिनेड में। और ये थोड़ा सा और सॉल्ट डाल रहे हैं हम, चीनी, रेड चिली पाउडर। देखो तो ये वाला कोरियन रेड चिली पाउडर ही है, ज्यादा स्पाइसी नहीं है। पानी, देखो कितने सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए यहाँ पे। इवान, मम्मा इज मेकिंग वीडियो, ओके? यस, वीडियो। नो। हेलो। हे गाइस, व्हाट गाइस? इसने अच्छे से मिला दिया है, पिंक जैसा कलर हो गया इसका, और ये ड्राई वाला बनाएंगे हम। तो ये देखो, हमने चिकन मैरिनेट करके रखे हुए थे, 4 चिकन ड्रमस्टिक्स परसों से, तो कल हमने 2 बनाए, आज हम 4 बनाएंगे। तो गाइज, वैसे तो कोरियन फ्राइड चिकन के लिए चिकन विंग्स लिए जाते हैं स्किन के साथ, लेकिन हमारे पास थे ही नहीं, हमारे पास बहुत सारे चिकन लेग्स पड़े हुए थे, तो हमने वो ही यूज कर लिए। इसमें हमने मिल्क, जिंजर, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और पेपर यूज किया है। ओरिजिनल रेसिपी में मिल्क यूज नहीं करते, बट हमने किया क्योंकि हमारे पीसेस बहुत ही बड़े थे और मिल्क से चिकन सॉफ्ट भी हो जाता है। हम इसको इसमें डिप करेंगे और फिर हम फ्लावर में डिप करेंगे। बहुत सिंपल है लेकिन इतना क्रिस्पी बनता है, मैं आपको क्या बताऊं। और इतनी सिंपल रेसिपी है ओडिन की, मैरिनेट करके रखा है जिंजर और मिल्क वगैरह में, उसके बाद हम इसको इस डिप में डालेंगे और अच्छे से कोट करके हम इसको सिंपल मैदा में डालेंगे, और यहाँ पे हमने रख दिया है। ये देखो, थोड़ा मैसी हो जाता है बट बहुत टेस्टी लगता है गाइस। ये लास्ट वन, ओ माय गॉड, मैं ऊपर चली गई थी और फ्राइंग चालू हो गई है लगता है, या होने वाली है। ये देखो गाइस, सारे हो गए हैं, कितने बड़े ड्रम स्टिक्स है ना ये। ये देखो हमारा इतना सारा तेल फ्राइंग के लिए गर्म हो गया है। ओके, तो हम इसमें भी कुछ लिक्विड बना रहे हैं, उसको हम फ्राइंग के बाद ग्लेजिंग के लिए यूज करेंगे। तो इसमें ये एप्पल साइडर विनेगर डाली है ओडिन ने, सोया सॉस, शुगर, ओ आई कैन स्मेल इट, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और ये हनी,
काफी सारा हनी डाला है। कल हमने हनी नहीं डाला था तो भी इतना टेस्टी लग रहा था, आज तो पता नहीं क्या लगेगा। थोड़ा सा नमक भी डालेगा इसमें बैलेंस आउट करने के लिए। हम फ्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा पीस है ये, तो अब हम इसमें सॉस बनाएंगे जिससे हम ग्लेज करेंगे जो चिकन है फ्राई होने के बाद। Meanwhile, तो लगता है चिकन फ्राई होने वाला है। खूब देर तक फ्राई करना है, कम आंच पे गाइस, ताकि अंदर तक कुक हो जाए। देखो कितना बड़ा है, उसको ब्राउन नहीं करना बिल्कुल भी, जो लहसुन है उसको। इसमें हम ये डालेंगे आई थिंक, तो ये थिकन हो जाएगा थोड़ा सा आप इसको कुक करोगे तो। अब इसमें थोड़ी सी ओनियन डाल रहा है, स्कॉच है, स्कॉच विस्की है, टेस्ट के लिए यू कैन जस्ट स्किप इट। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब उसको धो के जो थोड़ा बहुत था ना उसको धो के भी डाल रहे हैं। थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स डाले यहाँ पे, तो इसको डबल फ्राई करना है। एक बार फ्राई करके हमने रख दिया है वहां पे, देखो दो टोस्ट और दो बच्चे हैं। और ये क्यूरी भी तैयार हो गई है हमारी, थोड़ी पतली लग रही है। तो ओलिन ने जो कल बनाया था कोरियन फ्राइड चिकन वो इतना टेस्टी था ना गाइस, लाइक मुझे लगा नहीं था इतना टेस्टी होगा, क्योंकि मुझे यहाँ का KFC भी पसंद नहीं है, मुझे KFC का भी पसंद नहीं आता, ना चाइना का ना इंडिया का। लेकिन जो ओडिन ने कल बनाया ना यहाँ पे, आई थिंक कोरियन फ्राइड चिकन इज बेटर देन KFC। कल मैंने एक्चुअली ओडिन को बोला कि दिस इज द रीजन व्हाई इट्स गेटिंग सो फेमस। ये लाइक यहाँ पे 15 मिनट से फ्राई हो ही जा रहा है गाइस, बहुत लंबा टाइम लगता है। डबल फ्राई कर रहे हैं देखो, तो गाइस ये डबल फ्राई हो चुके हैं चारों। अब हम इसमें ये डाल रहे हैं, कोट कर दिया है चारों को। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। देखो गाइस अब मैं खाने वाली हूँ। ओडिन सामने बैठा है, बहुत गर्म है बाबा, बहुत ही क्रिस्पी है, पानी डालने के बाद भी सॉफ्ट नहीं हुआ ये। देखो गाइस बेटर देन यस्टरडे, बहुत ही बढ़िया गाइस। नीदर देखो कितना क्रिस्पी है। देखो इसको हम डिप कर कर के खा रहे हैं। देखो अंदर तक मैरिनेटेड है, कितना जूसी है। पता नहीं ओडिन इतना गरम गरम अभी तल के खत्म हुआ है कैसे खा जाता है ये, अभी तल के आया है, इतना गरम है कि उसका मुंह नहीं चलता है। आई डोंट नो, टू हॉट।
इसमें चिकन की इतनी स्मेल थी ना, सब खत्म है अभी। Later that same evening. तो गाइस काफी टाइम बाद मौसम अच्छा हुआ है और लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ओडिन को बास्केटबॉल का बहुत शौक है और आजकल उसको फुटबॉल खेलने का भी मन कर रहा है, तो वो यहाँ पे आ जाता है और जो भी रैंडमली मिलता है उनके साथ फुटबॉल खेलने लगता है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और लाइक भी दे ही मारना प्लीज़, क्योंकि बहुत हेल्प मिलती है वीडियो को उससे। अगर आप वीडियोस देखते हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज तो कर ही डालो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय। दिन भी खेल रहा है, अभी दिखाऊं मैं आपको, देखो।